सारी दुनिया माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने में लगी है। माँ और उसके 9 रूप, कौन जानता है इन 9 रूपों का महत्व, या कौन रिलेट करता है, कौन समझता है उन 9 रूपों का मतलब क्या है, कौन जानता है? मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। आपको याद है दिसंबर 2012 की रात, जिसने पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था? जरूर याद होगा आपको वो दिन। उस दिन हुआ ये था कि कुछ बलात्कारी शूरवीरों ने बलात्कार करने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो मर्डर से ज्यादा पेनफुल था। ये वही देश है जहां माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए घरों में कन्या भोज किया जाता है। तरह तरह के नियम बने उसके बाद, संसद हिल गई, सड़कें भर गईं, कैंडल लाइट मार्च हुए, तरह तरह के तरीके निकाले गए और सबको होप लगने लगी, स्त्रियों को, लड़कियों को, कि अब कुछ ऐसा होगा जिससे हम खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सुरक्षित होना क्या है आज के परिवेश में? पता है, सुरक्षित होना जैसे भूख लगती है ना, जैसे प्यास लगती है ना, वैसे सुरक्षा भी हमारी नीड हो गई है। सुरक्षा भी हमारे लिए एक बेसिक नीड बन गई है, क्योंकि ये वही देश है जहां तरह तरह के उपाय खोजे जा रहे हैं फीमेल के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए। तरह तरह के घरों में खोजा जा रहा है कि अगर हम बहू पे या बेटी पे वॉयलेंस करेंगे तो ऐसा कैसे करें कि हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगे, हम कानून से बच जाएं। तरह तरह के उपाय खोजे जाते हैं। आप रिलेट कर रहे होंगे इससे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं। हुआ ये कि ये सब जब हुआ, उसके बाद जब होप जगी कि शायद कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत ही रेयर था, बहुत ही घिनौना कांड था जो सुनने में आया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हम फिर से ठग लिए गए। बलात्कारियों ने ऐसे ऐसे तरीके खोजे भाई कि अगर उन्होंने अपनी मर्दानगी नहीं सिद्ध की तो भाई उनकी मर्दानगी को धिक्कार मिल जाना है, इसलिए उनको बिल्कुल मेडलिस्ट होना है इस फील्ड में, तो इस वजह से उनको बिल्कुल रियरिस्ट तरीका खोजना है। ये वही देश के युवा और मर्द बोल सोच रहे हैं जहां हमारी लड़कियां कहते लड़कियां देवी का रूप है ना, देवी के साथ ये किया जा रहा है। माँ के 9 रूप पूजे जाते हैं साल में 2 बार। प्रैक्टिकली देखो तो इस तरीके के दरिंदों को कुछ याद दिलाने के लिए माँ साल में 2 बार आती हैं। और अगर ये सोच डेवलप होने लग जाए ना, घर घर से, गली गली से, जगह जगह से, तो कुछ हो सकता है। फिर अगर घर घर का लड़का, घर के लड़कों को इस तरीके की सीख दी जाए, अगर स्कूलों में इस तरीके की कुछ मोरल शिक्षा दी जाए, अगर हम अपने बच्चों को फीमेल्स के प्रति और अपने बहनों, बेटियों, चाची, नानी, दादी, मामी, हर रिश्ते, हर फीमेल रिश्ते के प्रति अगर हम उनको सीख दें घर से ही, तो हो सकता है कुछ चेंज, तभी हो सकता है कुछ चेंज। नियम, संसद और ये विधानसभा और लोकसभा ये नहीं कर सकता कुछ चेंज, यहाँ से होना है। और यही चेंज और यही याद दिलाने के लिए माँ साल में 2 बार आती है मूर्खों। पहले ना ये कभी कभार सुनने को मिलता था, रेयरेस्ट, बहुत पहले तो सुनने में ही नहीं आता था, फिर सुनने में आता था कभी कभी। अब ये ना नए नए तरीके
आए दिन की बात है। जैसे हमारे यहाँ सुनने में आता है ना कि फलाना 98% लाया, मैं 99% लाऊंगा। ऐसे ही कुछ कंपटीशन चल पड़ा है, ऐसे ही कुछ कंपटीशन चल पड़ा है कि इस फील्ड में मेरा तरीका बिल्कुल रेयर होना चाहिए। हाँ, ये सिलसिला नया है क्या? डू यू थिंक कि ये न्यू कुछ है? नहीं नहीं भाई, साइंस भी ना ऐसी विधि खोज के लेके आई और समाज के सुपुर्द कर दी कि भाई ये मशीन है, इससे आप देख लो कि ये नर है कि मादा है और अपनी चॉइस डिसाइड कर लो। ये क्या है, बता सकते हो ये क्या है? और लड़कियों की ना तरक्की, फिर भी इतना फाइट करने के बाद भी लड़कियों की तरक्की आज कहाँ तक पहुँच गई है ये आप सब जानते हो, फिर भी कभी उनको एसिड, कभी पेट्रोल, और कभी ना वॉयलेंस, और कभी सो कॉल्ड मर्दानगी के हवाले कर दिया जाता है उनको। फिर यही मर्द अपनी मर्दानगी की रक्षा के लिए काली माँ के सामने, दुर्गा माँ के सामने गिड़गिड़ाने के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं। यही मर्द अपनी पॉकेट फुल रखे इसलिए लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं, ढोंग रचते हैं लिटरली। देखो, अपने आसपास इन नवरात्रों में माता के लिए व्रत का जो एहसान दिखाते हैं ना मर्द, कि मैंने माँ के नवरात्रों में, मैं तो 9 दिन का व्रत करता हूँ, वही शाम को जब वापस घर जाते हैं या अपने बीवी से मिलते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन घर के कामों में लगी औरत, हो सकता है वो भी उसने व्रत किया हो, इसके बावजूद भी उसके पास काम है, बच्चों में उलझी हुई औरत अगर खाना परोसने में 2 मिनट की देरी लगा देती है तो वहीं पर वो जो माता की भक्ति कर रहा पुरुष होता है ना, वो दिखा देता है कि उसकी भक्ति में कितनी पवित्रता है। ये घटियापन, छिछोरापन है ना जो मर्दानगी की कहानियां कहता है। माँ सब जानती है, किस मुंह से देवी की उपासना करते हो छिछोरो, किस मुंह से देवी की उपासना करते हो? खुद का मुंह आईने में देखो, और सेल्फ रियलाइजेशन नाम की एक चीज होती है इस धरती पे, उससे उसको अपने मन में उतारो और फिर आईना देखो कि क्या मैं हूँ लायक पूजा करने के, क्या मैं हूँ लायक यार कि मैं माँ के सामने खड़ा हो जाऊँ। डिसाइड कर लो ये बात, हाँ, क्या तुम देवी की उपासना करने के लायक हो? खुद से पूछ लो। मर्दानगी के मानसिक रोगी हो, अछूत हो तुम लोग। तुम ये जिस मर्दानगी का ढोल पीटते हो ना, ये तुम्हारा रोग है। तुम लिटरली हो अछूत, जिसको टच ही नहीं करना चाहिए। नाक के बराबरी में आना बहुत दूर की बात है, तुम्हारी कितनी हिमाकत। ये 2012 वाले जो समूह था ना, झुंड था जो अछूतों का, उनके साथ क्या हुआ फ्यूचर में, ये भी आप सब जानते होंगे। होना सबके साथ वही है जो इस मेंटेलिटी का है। तो खुद डिसाइड कर लो, माँ के नवरात्रों में माँ के सामने हाथ जोड़ने लायक हो तुम लोग? उनसे अपने प्रोटेक्शन की भीख मांगने लायक हो तुम लोग? अछूत हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।